कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ओडिशन, मैं केशव शर्मा। हमारे इस चैनल पे आपको सिंगिंग, डांसिंग, रियलिटी शो की अपडेट्स मिलती रहती हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना डेब्यू दे सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं इस वीडियो को देखकर, क्योंकि काफ़ी लाजवाब वीडियो है जो वायरल हो रही है और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हादसा हो। काफ़ी फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं इस चीज़ को लेकर, बट इस वीडियो के माध्यम से हम कहीं ना कहीं हमें और याद आता है उनका। और बिग बॉस के अंदर ही मैंने अच्छे से जाना सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। हालांकि आप लोगों ने भी देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला कितने हम्बल और कितने पावरफुल पर्सन रहे बिग बॉस के अंदर भी, बट सोशल मीडिया के अंदर जो वीडियो वायरल हो रही है वो भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जो सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं लगातार वीडियोस और फोटोज को शेयर कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हालांकि उनका एक पुराना वीडियो सामने आया जिसके अंदर वो ऑडिशंस देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ऑडिशन उन्होंने दिया, वो वीडियो नजर आ रही है। सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को 40 की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने के ऊपर निधन हो गया। इस खबर को सुनते ही हर कोई हैरान है। आज भले ही सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच ना हो, लेकिन उनसे जुड़ी यादें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले लगातार उनकी यादों को शेयर कर रहे हैं। उनके निधन के बाद उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला ऑडिशन टेप में डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। उनकी इस दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया है। वहीं अब फैंस इस वीडियो को देखकर उनकी आंखें नम हो रही हैं। हम आपको ये वीडियो जरूर दिखाएंगे। बाबुल का आंगन छोटा सा से एक्टिंग की लाइन में कदम रखा, इसके बाद वे लव यू जिंदगी और बालिका वधू और दिल से दिल तक, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस जैसे हिट शो में नजर आए। तो चलिए देख लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की ये दमदार ऑडिशन वीडियो। दुकानदार बोला, क्या खाओगे? जो खाओगे मेरी दुकान में पाओगे। तो मैं बोला, कुत्ते के खाने का केक है? तो दुकानदार बोला, यहां खाओगे कि घर लेकर जाओगे? टेक ऑफ। ए चांद, तू भी क्या गजब खाता है? बचपन में मामा और जवानी में यार नजर आता है। थैंक यू। अरे यार, ये जो ज्योति है ना, उसका भी कुछ समझ में नहीं आता है यार। पब्लिक में भाग जाती है, साथ में खड़े लोग तैयारी नहीं होती। और घर जाओ तो बॉस इतनी मीठी मीठी बातें करती है। रिच पकौड़े खाओगे?